दिल्ली शराब घोटाले पर समन और केजरीवाल का पेश होने से इनकार किया जाना हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी सवाल ना करे। बीजेपी की तरफ से बयान आया राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का। पूनावाला ने कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, इसलिए उन्हें समन भेजा गया है। पूनावाला आगे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ भगोड़े नंबर वन हैं और भ्रष्टाचारी नंबर वन हैं, बल्कि उनकी पार्टी ड्रामेबाज नंबर वन है। अगर किसी को ड्रामा करने और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहती है भेड़िया आया और लोग उसका विश्वास करना छोड़ देते हैं। आप जांच एजेंसियों के साथ कॉपरेट करने के बदले आप भगोड़े बनकर बहानेबाजी कर रहे हैं। जैसे हेमंत सोरेन 7 समन टाल चुके हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल 3 समन टाल चुके हैं। और क्या कहा पूनावाला ने, आपको सुना दें। करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर वन और भ्रष्टाचारी नंबर वन है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर वन है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक बार कहा था 800 करोड़ रुपए रखे हैं, हमारी पार्टी तोड़ देंगे जी, ऑडियो टेप है जी, क्या हुआ उसका। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा सीबीआई हमें गिरफ्तार कर देगी जी, क्या हुआ उसका। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा आईबी रिपोर्ट आई है जी, हम गुजरात चुनाव जीत रहे जी, क्या हुआ उसका। इसीलिए ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहते भेड़िया आया भेड़िया आया, और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त है, कोर्ट आपको मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को एक एक साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। सारी जांच एजेंसियों के साथ कॉपरेट करने के बदले आप भगोड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी आप कह रहे चुनाव में व्यस्त है, कभी कह रहे विपासना में व्यस्त है, और उसके बाद आप एजेंसीज को डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे एजेंसी काम करे वैसे एजेंसी काम करे। जैसे हेमंत सोरेन जी 7 समन मिस कर देते हैं, वैसे केजरीवाल जी 3 समन मिस कर देते हैं। दोनों में कई सारे मुझे लगता है समानताएं भी नजर आती है, और अब फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक नया पैंतरा। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए केजरीवाल जी। शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को देना, ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने देना, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब कंपनीज को दिलवाना, इस पर जवाब दीजिए। चोर की मूंछ में कुछ तो तिनका है।